तुला राशि वाले जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही खास तौर से लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, जिसमें गुरु की उच्चता होती है और देव गुरु शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए, संतान देने वाले, शिक्षा देने वाले और धर्म के प्रति जागृत करने वाले ग्रह हैं। इनके आशीर्वाद से पुण्य बहुत बनता है और देव गुरु बृहस्पति आपके कौन कौन से भाव में वृद्धि करने वाले हैं, कौन कौन से भाव में आपकी अच्छाइयां वृद्धि लाभप्रद रखने वाले हैं, बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं भानु शर्मा। देव गुरु बृहस्पति तुला राशि वाले जातकों के लिए 2022 में शुरुआत में तो पंचम भाव में गोचर कर रहेंगे और कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो वो अपने समय से कुछ समय पहले कुछ संकेत, कुछ फल देना शुरू कर देता है। जैसे कि सूर्य, सूर्य अपनी अगली राशि में जाने से पहले 5 दिन पहले ही अपनी वो अगली राशि का पूर्वानुमान कुछ फल देना शुरू कर देता है। वैसे ही अब मंगल है तो वो 8 दिन पूर्व, बुध है तो वह 7 दिन पूर्व, शुक्र है तो वह 7 दिन पूर्व, चंद्रमा है तो 3 घटी पूर्व और राहु है तो 3 माह पहले और शनि है वह 6 माह पहले अपना फल देना शुरू कर देता है। तो देव गुरु बृहस्पति भी 2 माह पूर्व अपने फल देना शुरू कर देता है। तो देव गुरु बृहस्पति जहां जहां देखेंगे वहां वहां वृद्धि करने वाले हैं, वहां वहां लाभ करवाने वाले हैं, वहां वहां कुछ अच्छाइयां ले आने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति आपके शुरुआत में 2022 में तो शुरुआत में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान जो व्यक्ति परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। उनका हौसला किसी भी मुश्किल से मुश्किल प्रतियोगिता में सामना करने के लिए बढ़ सकता है। साथ ही आप तैयार रहें, ध्यान में की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, आप एकाग्रता बढ़ा देंगे, आप अपनी शिक्षा पे ध्यान अधिक केंद्रित करें। हाँ, एक बात मैं बता दूं, आप अपने लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित कोई समस्याएं हो सकती है, इसलिए खान पान का विशेष तौर से ख्याल रखें। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जातक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अब देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु आपके अप्रैल माह के अंत में यानी 12 अप्रैल 2022 को वो स्वराशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जब अपनी स्वयं की राशि में गोचर करते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक तो आप जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं और कहीं भी अच्छे स्थान पे चले जाएं और जब आप वापस अपने ही घर पे आते हैं तो बड़ी राहत की सांस लेते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति भी अपनी स्वयं की राशि, देव गुरु बृहस्पति की मीन और धनु राशि अपनी स्वयं की है, वह वहां पर सुग्रही होते हैं और कर्क राशि में उच्च के बन जाते हैं चंद्रमा की राशि में और मकर राशि में नीच के बन जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति जहां जहां देखते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं। तो स्वराशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। तो देव गुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर करने हैं। अगर आपने ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, तो वहां लोन आपके उतरने की संभावना है और लोन में वृद्धि होने की भी संभावना है। अगर आप कोई ब्याज से पैसा लेना चाहते हैं वहां आपको आसानी से मिल जाएगा, इस सोच समझ कर लेना चाहिए क्योंकि उतरने में आपकी मुश्किल होगी। इस अवधि के दौरान आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशासनिक नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलताएं हासिल होगी। आप कोई मेडिकल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। या ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपको सफलताएं हासिल होगी। आप अपनी नौकरी की तलाश में हैं तो वहां पर भी आपको सफलताएं हासिल होगी। आप नया जॉब करना चाहते हैं या व्यवसाय नया करना चाहते हैं, फैक्ट्री वगैरह कुछ करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको पूर्ण सफलताएं मिलने की संभावनाएं हैं। आप नौकरी की तलाश में हैं तो नौकरी में अच्छा होगा, या फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपका प्रमोशन होने की संभावना, वेतन वृद्धि की संभावना है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा किसी कार्य के लिए आपकी सराहना भी की जा सकती है।
कुल मिलाकर कहूं तो आपके काली चित्र में आगे का माहौल काफी सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहने वाला है। जो जातक किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं वह थोड़े सावधानी बरतते हुए आपका स्वास्थ्य अच्छा होने की संभावना है। कर्ज बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा रहेगी, यह भी बात बता देता हूं मैं आपको। अब आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होने से आपके सबसे पहले आपके व्यापार को पिता के घर को देखेंगे, पिताजी का आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से बना रहेगा। उनसे संबंध खराब है, संबंध अच्छे होने की संभावना है। साथ ही आप व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेंगे। व्यापार के लिए आपका श्रेष्ठ समय रहने वाला है, चाहे आप सर्विस में है चाहे आप व्यापार में है। उसके बाद में आपको मांगलिक कार्य होने के लिए आपका खर्च भी बढ़ सकता है, कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है आपको, व्यापार के लिए भी पड़ सकती है और मांगलिक कार्यों के लिए भी पड़ सकती है। वह भी प्रबल संभावना है क्योंकि उनकी सप्तम दृष्टि आपके खर्च भाव को देख रही है। तो आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं या कोई और अन्य कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपके पैसे खर्च होने की पूर्ण पूर्ण संभावनाएं हैं और ऐसी जगह पर खर्च होंगे जहां शुभ कार्यों में खर्च होने की संभावना पूर्णता से रहेगी। फिर आपके उनके सप्तमी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर, धन भाव पर पड़ रही है, जहां से चल अचल संपत्ति, परिवार, वाणी, वाणी में मधुरता आएगी। आप चल अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वहां पर होगी, या आपके कहीं जमीन संबंधित कहीं विवाद है तो विवाद हल होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और आप अपनी वाणी से सबको मोहित करेंगे और अपने परिवार में संबंध अच्छे बना लेंगे। अगर आपके परिवार में संबंध खराब है तो संबंध अच्छे बनने की संभावनाएं हैं, संबंध अच्छे हैं तो और भी अच्छे बेहतर होने की पूर्ण पूर्ण संभावना रहेगी। फिर भी आपको मैं राय देना चाहूंगा, देव गुरु बृहस्पति की उपासना करें, विष्णु भगवान की उपासना करें या पुखराज रत्न धारण अवश्य करना चाहिए आपको। और इसके बारे में अन्य आपको जानकारी चाहते हैं इनके दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे अनुमति देता हूं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद के साथ रहें। नमस्कार।